वोट के लिए जो हमारे जम्मू कश्मीर को संकट में डाल दे, हमारे जवानों को लाचार कर दे, ऐसी कांग्रेस पर देश विश्वास नहीं कर सकता। सिर्फ अपने परिवार के विकास के लिए जीने वाले देश के बारे में कितना सोचते हैं आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। भाइयों और बहनों, कांग्रेस की नीतियों के चलते ही मेरे कश्मीरी पंडित भाई बहनों को अपना ही घर छोड़ना पड़ा। कांग्रेस और उसके साथियों को अपने वोट बैंक की इतनी चिंता थी कि कश्मीरी पंडितों पर होने वाले अत्याचार उन्होंने देखे लेकिन अनदेखे कर दिए। न्याय का ढोंग करने वाली कांग्रेस दिन रात न्याय न्याय की माला जप रही है। मैं जरा कांग्रेस को कहना चाहता हूं, 60 साल तक जो तुमने अन्याय किया है उसे न्याय कौन देगा? कांग्रेस क्या कभी हमारे पंडितों को, कश्मीरी पंडितों को न्याय दिला पाएगी क्या? क्या कभी 84 के दंगों में मारे गए हमारे सिख भाइयों बहनों को, बहु बेटियों को क्या कांग्रेस न्याय दिला पाएगी? भाइयों बहनों, ये न्याय भी उनका ढकोसला है, ढकोसला है। कांग्रेस वो पार्टी है जो न्याय दिलाने के नाम पर भी लोगों से धोखा कर जाती है, न्याय के नाम पर भी पीढ़ी दर पीढ़ी देश के लोगों को धोखा देना कांग्रेस का राजनीतिक चरित्र है। भाइयों और बहनों, आज भी भले कांग्रेस कश्मीरी पंडितों का नाम लेने से कतरा रही हो, लेकिन ये चौकीदार पूरे सम्मान के साथ उनको अपनी जमीन पर बसाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये काम शुरू हो चुका है। इसी तरह साथियों, पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से मां भारती में आस्था रखने वाले जो परिवार मजबूरन यहां आए हैं, उनकी नागरिकता का कानून भी बनाने के लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। 23 मई को चुनाव नतीजा आएगा, 23 मई को चुनाव का नतीजा आएगा, फिर एक बार 23 मई को चुनाव का नतीजा आएगा, फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी, तब नागरिकता से जुड़े कानून को पास कराने के लिए फिर से कोशिश की।